तो दोस्तों, अगर आपको जुपिटर्स लेगेसी सीरीज़ याद हो जो कि बिल्कुल ही फ्लॉप गई थी और मजबूरन नेटफ्लिक्स को इसका सेकंड सीज़न कैंसिल करना पड़ा, लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स को कैंसिल करना कोई आसान डिसीजन नहीं था, तो इसलिए नेटफ्लिक्स ने हमारे सामने इसकी एनिमेटेड सीरीज़ इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है सुपर क्रूक्स। आज हम इस एनिमेटेड सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस सीरीज़ में फिल्म एंड फन को क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या बुरी। क्या आपको इस सीरीज़ पर अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और ये रिव्यू आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टोरी की, जो कि बेस्ड है एक ऐसे करेक्टर पर जिसका नाम होता है जॉनी। के पास एक यूनिक किस्म की पावर होती है और वो यूनिक किस्म की पावर क्या होती है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। वो ज्वाइन करता है एक टीम को जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी की लास्ट और सबसे बड़ी हाइस्ट को अंजाम देगा। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आपको हाइस्ट देखने को मिलेगी जो कि आपको मनी हाइस्ट की फीलिंग देगी, जिसमें आपको प्रोफेसर जैसा ही एक करेक्टर देखने को मिलेगा। लेकिन ये हाइस्ट कोई मामूली हाइस्ट नहीं होती, ये अपनी टीम से मिलकर हाइस्ट करता है यूनियन ऑफ जस्टिस के टावर की। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको इन सुपर विलेंस और सुपर हीरोज़ का क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। अब ये ग्लेडिएटर और यूटोपियन जैसे सुपर हीरोज़ के सामने अपनी ये हाइस्ट कंप्लीट कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगी एक्शन, कॉमेडी और बहुत सारा खून खराबा। स्टोरी के बाद अब हम बात करते हैं इसके म्यूज़िक की। तो इसका इंट्रो सॉन्ग अच्छा था और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छी थी जो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर किसी सीरीज़ या मूवी को कोई चीज़ वैल्यूएबल बनाती है तो वो होती है उसकी आईएमडीबी रेटिंग, और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10 और आईजीएन की तरफ से इसको दिए गए है 8 आउट ऑफ 10, जबकि इस सीरीज़ को 96% लाइक किया गया है। और इन रेटिंग से हमें पता चलता है कि ये सीरीज़ एक मस्ट वॉच है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि इस सीरीज़ में आपको अपना कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इस सीरीज़ में 13 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 20 से 30 मिनट्स की है, बिल्कुल एक एनिमेटेड सीरीज़ की तरह, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। लेकिन आप सबके लिए बैड न्यूज़ ये है कि ये सीरीज़ आपको हिंदी डब्ड में अवेलेबल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज से कोई भी इशू नहीं है तो आप इस सीरीज़ को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ। और रही बात फिल्म एंड फन की, तो फिल्म एंड फन ने इस सीरीज़ को पूरी तरीके से एंजॉय किया है और आपको भी रिकमेंड करते हैं कि ये सीरीज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ऐसी सुपर हीरो सीरीज़ बार बार देखने को नहीं मिलती। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिल्म एंड फन को दीजिए इजाज़त। हम फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में। गुड बाय।